Channels Television. ये बाबा विश्वनाथ का मंत्र है, इसी बाबा के सहारे हम लोग चलते हैं। बहुत बहुत सहयोगी कोषाध्यक्ष है, प्रदेश मत करिएगा थोड़ा सा। मैं संगीता तिवारी बनारस से महिला होमगार्ड हूँ और हमारे यहाँ बनारस जिला की स्थिति इतनी स्तर महिलाओं के प्रति इतना खराब हो गया है कि बिना शोषण का इनका चाहे पैसे के रूप में, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, चाहे किसी भी तरह से यहाँ के पीसी सीसी और जरिए कमांडेंट का नाम लेकर ये हम लोगों का शोषण करते हैं। अब्सेंटी परजेंटी के नाम पे पैसा बनवाना और बोलना कि सर को देना है, सर को किस सर को देना है, कमांडेंट का कहना है कि हम पैसा ही नहीं लेते हैं और पीसी सीसी हम लोगों का शोषण करते हैं। वो शोषण किसी भी रूप से किसी भी स्तर तक होता है। हमने संगठन को भी बताया, जरिए आप लोगों के माध्यम से भी पहुंचाना चाहती हूं जनता में, मीडिया तक को बताना चाहती हूं और अपने यहाँ माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी को भी बताना चाहती हूं ताकि वो हम लोगों को इस समस्या से निदान करें। महिला को आगे बढ़ाना चाहते हैं किंतु हम लोग शोषण से मुक्त ही नहीं हो पाते हैं, तो हम आगे उत्थान हमारा क्या होगा, जो कि पतन हमारा चालू है। किस उत्थान की बात करते हैं, पतन के करीब है हम, उत्थान हमारा क्या होगा जब पतन हमारा चालू है। के दौरान क्या क्या असुविधाएं आती है मैडम, और कितनी आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप? महिलाओं को सुरक्षा के नाम पे क्या अपना जाना है, अपने थाने पे ड्यूटी करना है, वहाँ के बाद जो लोग दीवान मुंशी है कहेंगे यहाँ जाइए वहाँ जाइए, जिसका कोई हम लोगों को टीएडीए तो मिलता नहीं है, रोड पे खड़ी होकर एक दूसरे के टेम्पो वाले भैया जरा करना है, एक दूसरे को करते हुए अपने जेबा से खर्च लगा के तो जाना पड़ता है, चाहे वो जिस तरह भी कागज पत्र देना लेना हो। तो आपका संगठन क्या कर रहा है? संगठन हम लोगों के लिए प्रयासरत रहे, जितना भी हो सकता है संगठन के माध्यम से हमारे रविकांत भैया हैं वो लगे हुए हैं ताकि हम लोगों को शोषण से मुक्ति मिल जाए और हम लोग इसके करीब से मुक्त हो जाएं, बड़ी हो जाएं, और हम लोग जो है काफ़ी काम कर रहे हैं महिलाओं को उत्थान के लिए। जहाँ भी इनको दिक्कत परेशानी होती है यूनियन के माध्यम से हम लोग जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूर्ण रूपेण कोशिश कर रहे हैं। मनोज कुमार शुक्ला जी, भाई नौजवान साथी, आप सभी से आग्रह और निवेदन है कि जिस प्रकटंडी पे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी आवाहन कर चुके हैं। ये अपना परिचय दे सर। मैं मुकेश द्विवेदी, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संवैतनिक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज ये किस तरह का आयोजन आप लोगों ने किया है होमगार्डों का? आज हमारा एक तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का प्रोग्राम था, दूसरा हमारा प्रोग्राम ये मंडल भ्रमण का है और उसमें सर्वप्रथम हमने वाराणसी। मैं रविकांत त्रिपाठी, होमगार्ड डायल हंड्रेड चालक संघ प्रदेश प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष। आज ये किस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं? ये हम नौजवान साथियों की काफ़ी पीड़ाएं हैं जो कि काफ़ी दिनों से हम लोग संघर्ष करते चले आ रहे हैं, सरकार हम लोग को गुमराह रखी है, हमारे कुछ जवान निष्कासित हुए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाने पर, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी से निवेदन।